नमस्कार, प्रस्तुत है क्लास 8 स्पेशल एग्जाम 2023 के हल प्रश्न पत्र का ये पार्ट 5 वीडियो। इस वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 41 से लेके प्रश्न संख्या 50 तक के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41, यह है संख्याओं के साथ खेलना। 3 1 a और इसमें प्लस करना है 1 a 3, और इसका जो योगफल आ रहा है वो है 501। तो यहां हम देख रहे हैं a और 3 इसको जोड़ रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो 3 में हम क्या जोड़े कि उसके जोड़ के इकाई में 1 आए। आप देखिए, तो अगर हम यहां पर 8 रखते हैं, 1 की जगह क्या रखते हैं, 8। अगर हम एक ही जगह 8 रखते हैं तो 8 और 3 11 का 1 हाथ में रहा, 1। तो ये तो हमने 8 लिया है, देखें फिर यहां पर बैठा के, तो 8 और 3 11 का 1 हाथ में रहा 1, 8 और 1 9, 1 10 का 0 हाथ में रहा 1, 3 1 4 और 1 5। तो ये क्लियर हो गया कि ए का मान कितना आ रहा है, 8। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 42, x² - x+1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। तो यहां पर आप देखिए कि हम गिनते हैं कितने पद हैं, एक पद, ये दो पद और ये तीसरा पद। तो इस तरह से ये हो गया त्रिपदी। प्रश्न संख्या 43, 3x+3 में से 3x+1 घटाने पर होगा। तो आइए घटा कर देखते हैं। 3x+3 इसमें से घटाना है 3x+1। तो अब क्या करेंगे हम, ये ब्रैकेट हटाएंगे, ये माइनस, ये ब्रैकेट हटा देते हैं। तो ये हो गया 3x+, सॉरी, ये पहले माइनस था ना, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -1। तो आप देखिए, ये 3x है ना, इससे पहले चिन्ह है हमारा प्लस और इस 3x से पहले चिन्ह है माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और अब ये बच गया 3 - 1, तो ये हो गया 2। ये ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 44, x² - x का भागफल होगा। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, x² भाग x = x² बटा x, और एक्स स्क्वायर का जो गुणनखंड होगा वह x गुना x, और ये बटे में x। तो ये x कैंसिल हो गया, बच गया x। ये ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ग अंतराल 25 से 30 की निम्न सीमा है। तो देखिए, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा क्या है, 25 है, ये ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 46, आंकड़े 8 6 10 12 1 3 4 4 का परिसर है। तो ये परिसर का फॉर्मूला होता है, परिसर बराबर उच्चतम आंकड़ा, उच्चतम आंकड़ा घटाओ निम्नतम आंकड़ा। तो यहां उच्चतम आंकड़ा क्या है, देखिए 12 है और निम्नतम 1 है, तो 12 घटाओ 1 11, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न
क्वेश्चन नंबर 47, आंकड़े 39, 25, 15, 13, 32, 16 का परिसर है। तो अभी इससे पहले प्रश्न संख्या 46 में हमने देखा था, परिसर बराबर उच्चतम आंकड़ा घटाओ न्यूनतम, यहां 13 है तो ये आ जा रहा है 26, यानी ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 48, वर्ग अंतराल 20 से 40 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह बराबर होता है, ये निम्नतम निम्न सीमा और ये उच्च सीमा को जोड़ देते हैं, 20 प्लस 40 और ये बटा 2 कर देते हैं, तो ये हो गया 60 बटा 2 यानी 30, ये ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 49 है, जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है। ये प्रश्न मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, ये लास्ट का एक वर्ड जो है ना वो स्क्रीन से बाहर हो जा रहा है, इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूं। जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो पासे में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसमें सम संख्या कौन कौन सा है, ये 1, 2, 3, तो 3 सम संख्या है, तो घटनाएं होंगी, घटना होगी 3 और कुल कितने परिणाम होंगे, 6। तो इस प्रकार जो प्रायिकता होगी, ये प्रायिकता का फॉर्मूला है, प्रायिकता बराबर 3/6 अर्थात 1/2, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न संख्या 50, बारंबारता 13 का टैली मार्क है, तो ये आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये 5, 5, 10 और 3, 13, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है।